हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ले चलो पर। फ्रेंड्स, आज देख रहे हैं ये कैलेंडुला है और कैलेंडुला ग्रो करूंगा मैं इस पॉटिंग मिक्स पे। मैं इसमें सिंपल पॉटिंग मिक्स रखूंगा, कोकोपीट और सॉइल, और इनका परसेंटेज 50-50 रहेगा। कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि सीड्स जर्मिनेशन में कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। बस वो ग्रो हो जाए तो आप धीरे धीरे करके उन्हें फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसप्लांट करने के बाद। ये मैं इस प्लेट पे ड्रेनेज होल पे एक स्टोन रख देता हूँ। उसके बाद मैं सॉइल और कोकोपीट को मिक्स कर लेता हूँ आपस में, और इससे ये सॉइल बिल्कुल जो इनकी पॉटिंग मिक्स तैयार होगी बिल्कुल सॉफ्ट होगी, और सॉफ्ट पॉटिंग मिक्स में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत ईजिली बढ़ते हैं और ट्रांसप्लांट करने में भी आसानी रहती है। क्योंकि आप जब भी कोई प्लांट निकालें तो उसकी मिट्टी को भिगो लें। अगर आपने सूखी मिट्टी में प्लांट खींचने की कोशिश करी तो या तो उसकी स्टेम टूट जाएगी सीडलिंग की, या फिर वो मिट्टी से निकल जाएगा, और सीडलिंग में से निकल जाए तो ईजली लग जाती है, पर बीज से अगर स्टेम टूट गई तो नहीं लगेगी। इसलिए बहुत ही सावधानी से किसी टूथपिक के साथ में या फिर किसी चीज़ के साथ में निकाला करें सीडलिंग को, फिर ट्रांसप्लांट करा करें। ये रहा सॉइल मिक्सचर 50-50% का, 50% कोकोपीट और 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं कैलेंडुला। ग्रो करना बहुत ही इजी है, नॉर्मल गार्डन सॉइल और सैंड ये दोनों चीज़ें मिला लें, क्योंकि सॉइल मिक्सचर सॉफ्ट रखना है। ज़्यादा आपने अगर ऐसी सिंपल लग दिया तो कुछ आप किसी की तरफ की सॉइल होती है बहुत ही हार्ड होती है, तो जिससे ये सीड्स क्रैक नहीं हो पाते, और किसी की सॉइल ऐसी होती है कि नमी नहीं रह पाती है ऊपर, और नीचे नमी ज़्यादा होती है तो वो पानी देता रहता है और सीड्स गल जाते हैं। तो ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, पानी इतना देना है कि मिट्टी नम रहे, और ओवर वाटरिंग से ये सीड्स ख़राब हो जाते हैं। आप ऐसी नॉर्मल मिट्टी बनाएं। इसमें देखिए मैं पहले ही पानी डाल ले रहा हूँ, जिससे पहले नम कर लूँगा मिट्टी, फिर उसके बाद होल्स बना के उसमें सीड्स रख दूँगा, और फिर ऊपर से कोकोपीट की लेयर थोड़ी सी डाल दूंगा और फिर हल्का सा पानी दे दूंगा। क्रैक करने के लिए सीड्स को थोड़ी नमी चाहिए होती है, इसलिए ऐसा सिस्टम बनाएं कि ड्रेनेज होल अच्छा हो और पानी शुरुआत में नमी ज़्यादा देने के लिए खूब पानी दे दें इसे, फिर ड्रेनेज होल से जब तक निकलने ना लगे। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 घंटे सीड्स भिगो लें पानी में, उसके बाद निकाल के, जैसे मैंने एडेनियम की वीडियो बनाई थी, एडेनियम वाली वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो आप देख लें, उसमें मैंने 1 घंटे सीड्स भिगोए थे थोड़े से गर्म वाटर में। अगर आपके पास सर्दी टाइम है ठंडा पानी है तो फिर 12 घंटे भिगो लें, 10 घंटे भिगो लें, पर गर्म पानी है थोड़ा नम पानी है तो फिर आप उसे 1 घंटे में ही आपके सीड्स भीगने के बाद तैयार हो जाएंगे, थोड़े पानी अब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद आप उसे सॉइल लगा सकते हैं। 24 घंटे बाद रिजल्ट देखने में मिल जाएगा, 24 घंटे में स्प्राउटिंग स्टार्ट होने लगती है अगर आपका टेम्परेचर आपने मेंटेन कर लिया तो, नहीं तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये रहे कैलेंडुला के सीड्स, और मैं इसे अभी लगा लेता हूँ, और इसे थोड़ा दूर दूर करके लगाएं क्योंकि इन्हें भी ट्रांसप्लांट भी करना होता है, इसी में ग्रो नहीं करूँगा मैं, हर सीड को एक अलग पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूँगा। तो ये रहे सीड्स, अब मैं इसमें थोड़े होल्स बना लूँ, इन्हीं में सीड्स रख दूँगा। और आपको भी ये सीड्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें। सेम डहलिया के भी सीड्स ऐसे ही ग्रो होंगे, सेम प्रोसीजर है। ये मैंने सीड्स लगा दी है, ऊपर से मैं थोड़ी सी कोकोपीट डाल दूंगा, चाहे तो आप सैंड भी डाल सकते हैं, बस हल्की सी लेयर होनी चाहिए कोकोपीट की, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोकोपीट बहुत सॉफ्ट होता है तो सीड को बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये रही कोकोपीट, बहुत से लोगों के पास कोकोपीट इसलिए अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो आपको नेट पे मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे सबसे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है हर तरीके के ब्लॉक्स, तो अमेजॉन से ले सकते हैं कोकोपीट, और ऑफलाइन मार्केट में सर्च कर लें तो बहुत ही कम रेट में मिल जाएगी, कम से कम नॉर्मल जो मिट्टी में
मिलाने के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ कोकोपीट, वो 150 रुपये का 5 किलो मिलता है, और अच्छी वाली कोकोपीट होती है वो 250 तक की जाती है, उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है। कोकोपीट दो क्वालिटी होती है, एक जो आती है 250 रुपये वाली, उसकी देखने का लुक ही अलग होगा, और ये जो होगी उसमें रेसे रेसे मिक्स होके, तो 250 वाली होगी उसमें कोई रेसा मिक्स नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको छनी हुई है। तो 5 दिन का रिज़ल्ट देखिए आप, 5 दिन बाद ये ग्रो हो गए, और इसका इसको मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।